इस नाउ टुडे हम डिस्कस अबाउट डेसिमल सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये 0.6 का होल पावर 4 माइनस 0.5 का होल पावर 4 अपॉन में 0.6 का होल पावर होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड में। अगर इस टाइप के कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने को आते हैं तो ये कंडीशन बेसिस होते हैं। अभी इसमें करना क्या होता है कि जैसे मान लो ये है, तो आप लोग क्या करते होगे, अभी स्क्वायर होता है तो आप उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ऐसे कंडीशन में बदलते हो। अभी ये आपको क्या लग रहा है, मतलब ये जो नंबर है इसकी पावर, उसकी पावर के ऊपर होल पावर, समझ रहे हो, इस टाइप को तोड़ना होगा ऐसे। तो देखिए कैसे करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर इसको ए मान के चलते हैं, ठीक है, एज्यूम करके चलते हैं ए, इसको बी, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ए का होल स्क्वायर, ठीक है, या यू कहें ए पे स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस बी पे स्क्वायर का होल स्क्वायर, चलिए। तो अभी जैसे ये लास्ट में नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अभी यही ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अभी इसको फिर से खोलेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इनटू में क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी आप जस्ट वेट करो एक सेकंड, आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो देखो अगर यहाँ प्लस होता है तो प्लस में क्या होता है, अगर प्लस हो और इधर भी प्लस है तो प्लस में वो फिर जुड़ने का वो, मतलब समझ रहे हो, फिर कट नहीं पाता। लेकिन अगर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई अगर इधर कोई वैल्यू प्लस में होती तो नहीं कटता, ठीक है, मल्टीप्लाई है तो वैल्यू हम काट भी सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया। अब क्या आंसर आया, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया तो अभी इधर देखते हैं, यहाँ से करते हैं। अभी जैसे इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, ये अपन ने लिख लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कंडीशन बन गई। अब इसको भी अगर तोड़ें तो क्या कैसे बना सकते हैं इसको, तो ए प्लस बी, ठीक है, फिर इसको क्या बना सकते हैं, ए माइनस बी, ठीक है, ये कंडीशन बन गई ना। अभी अगर इसमें आगे बढ़ते हैं तो जैसे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या था 0.6, तो 0.6 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। अभी ये कितना हो गया, 0.6 इसका होल स्क्वायर कितना होगा, 0.36 माइनस 0.25। तो अभी आपको क्या समझ में आ रहा होगा, 0.36 0.36 मतलब डेसिमल, यहाँ 0.36 माइनस 0.25, 36 में से ये 25, मतलब समझ रहे हो, 36 में से 25 लेस करेंगे तो इधर इसमें आंसर कितना होगा, 0.11, ठीक है। तो इस तरीके की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप ऐसे कंडीशन को रिफॉर्म करके या जैसे जो है उसको, मतलब वापस से तोड़ के उसको थोड़ा सिंपलेस्ट वे में बना के और हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप दिस इज़ अवर चैनल एग्जाम क्रैक स्टडी, सो आई होप यू गाइस लाइक, एंड सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थंबनेल को प्रेस कीजिए और भाई के चैनल को प्यार देते रहिए और ऐसी भाई की वीडियो को आगे बढ़ाते जाइए। आपका भाई आपके लिए अगले नेक्स्ट वीडियो डेसिमल का या फिर कोई अगला कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। और ये जितनी भी वीडियोस हम अभी न्यूमेरिकल एवेलेबिलिटी के अंदर ये जितने भी पार्ट हैं डेसिमल ये सब अगर बना रहे हैं तो ये सब डेली बेसिस अपकमिंग एग्जाम के ऊपर है या और अदर कॉम्पिटेटिव सीजीएल ये रेलवे ग्रुप डी वगैरह सबके लिए वैलिड है। ये क्वेश्चनों में इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। सो धन्यवाद।